नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर कंपनी जो अभी अपना नया वर्जन लॉन्च करने जा रही है 8 नवंबर 2020 को टेली प्राइम के नाम से। तो दोस्तों, अभी जो हम प्रेजेंट टाइम में टेली डॉट ERP9 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो टेली ERP9 सॉफ्टवेयर और टेली प्राइम्स जो नया वर्जन लॉन्च होएगा उनके फीचर्स में कितना कुछ डिफरेंस है और कितना कुछ अपडेट इसमें दिया गया है, कौन कौन से फीचर्स को हटाया गया है, कौन कौन से फीचर्स को ऐड किया गया है, या कौन से फीचर्स की लोकेशन चेंज हुई है। तो दोस्तों, इन सब टॉप फीचर्स जो चेंज हुए हैं टेली प्राइम में आने के बाद में, तो इन सब फीचर्स के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट हम आप सबको बताएंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से टेली, वीजी, अकाउंटिंग और टैक्सेशन की नई नई जानकारियाँ और अपडेशन हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम दोनों वर्जन्स की अगर कंपेयर करें तो पहला जो चेंजिंग हुई है वो ये स्टार्टर फेज वन टाइम ओपन, यानी कि जब हम टेली ERP9 सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो उसका स्टार्टअप पेज किस तरीके से हमें डिस्प्ले होता है, और टेली प्राइम के वर्जन को जब हम ओपन करेंगे तो उसका जो डिस्प्ले है यानी कि स्टार्टअप पेज है वो किस तरीके से हमारी स्क्रीन पे आएगा। तो हम दोनों को ओपन हम करेंगे, तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा टेली ERP9 को। तो आप देख सकते हो, तो अभी तक टेली ERP9 सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन हो रहा है। और जब हम टेली प्राइम को यूज़ करने लग जाएंगे तो टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से ओपन होएगा, और ओपन होने के बाद ये कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि वो स्टार्टिंग में ही आएंगे, ये जब TSS वगैरह एक्सपायर की ये वार्निंग वगैरह है तो इसमें इग्नोर करूँगा। तो इसका जो स्टार्टअप पेज है वो इस तरीके से आएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप हम देख सकते हैं। भी टेली ERP9 में जब कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट, ये ऑप्शन का स्टार्टअप पेज आता है। और टेली प्राइम में ये सारा सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी और ये इस तरीके का स्टार्टअप पेज हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट चेंजिंग जो स्टार्टअप पेज पे आपको देखने को मिल गया। तो दोस्तों, अगर हम पॉइंट नंबर दो की बात करें तो दो नंबर जो पॉइंट हुआ है वो वर्जन एंड अपडेट ऑप्शन, लाइसेंस एंड सर्विस ऑप्शन का। यानी कि अब आप देख सकते हो टेली ERP9 सॉफ्टवेयर में ये सब कुछ जो प्रेजेंट टाइम में हम कौन सी रिलीज हम यूज़ कर रहे हैं, TSS हमारा एक्सपायर हुआ है कि नहीं है, हमारा सीरियल की क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है, ये सब कुछ, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा हम रिलीज यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी वर्जन एंड अपडेट्स है, और इसी तरीके से ये लाइसेंस एंड सर्विसेज है। तो टेली ERP9 सॉफ्टवेयर के ये स्टार्टअप पेज पे हमें देखने को मिलेगा, लेकिन टेली प्राइम की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन यहाँ से हटा दिया है, और ये ऑप्शन अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पे। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेली प्राइम EDU लिखा हुआ है, यानी कि एजुकेशनल मोड पे अभी ये रन कर रही है टेली, यानी कि जब भी इसके अंदर हमें TCS इसका रिवेन्यू हो जाएगा तो यहाँ पर ये सिल्वर लिखा आ जाएगा, अगर कोई मल्टी यूजर है तो यहाँ पर गोल्ड लिखा आएगा। तो ये जो लाइसेंसिंग का जो ऑप्शन हमें दिख रहा है सर्विस का, वो जब हम इस पे क्लिक करेंगे एजुकेशन मॉडल पे तो ये ऑप्शन हमें इस तरीके से शो करेगा लाइसेंस इंफॉर्मेशन, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो ये एप्लीकेशन स्टेटस है ये एजुकेशनल मोड पे रन कर रहा है। और ये इसके बाद लाइसेंस एरर, यानी कि लाइसेंस इनवैलिड दिस रिलीज, क्योंकि अभी ये जो प्रेजेंट टाइम में जो हम लाइसेंस जो यूज़ कर रहे हैं वो इस रिलीज के लिए इनवैलिड है, तो इसका सीरियल की, ये एक्सपायर वगैरह, इसकी ईमेल आईडी वगैरह, ये सब कुछ यानी कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये शो करेगा, सिंगल यूज़र है, मल्टी यूज़र है, किस टाइप का यूज़र है, तो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। लाइसेंस एडिशन का यहाँ पर ये सिल्वर दिखा रहा है, यानी कि ये सिंगल यूज़र है। तो जो ऑप्शन टेली में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वो अब यहाँ से हटाने के बाद हमें अगर ओपन करेंगे तो ये हमें दिखेगा, अदरवाइज यहाँ से डिस्प्ले से डायरेक्टली हटा दिया गया है। तो अगर हम बात करें पॉइंट नंबर तीन की, तो उसमें रहेगा कंपनी क्रिएशन विंडो का ओपन स्टाइल,
यानी कि अब देख सकते हैं जब हम टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर में हम कंपनी को ओपन करते हैं, यानी कि जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के लिए हम इंटरप्रेस करेंगे, तो टेली ERP 9 में कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो किसी भी टाइप का कोई शॉर्टकट इसमें नहीं दिया हुआ कोई सेटिंग चेंज करने के लिए, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे ही को ही हम डाटा फिलअप करना है, कोई डाटा में इसको यस या नो नहीं कर सकते, नहीं इसमें कोई एडिशन कर सकते। लेकिन टेली प्राइम में जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हो ये इस तरीके की विंडो ओपन होएगी, तो काफ़ी सारे फीचर्स आप देख रहे हो इसके अंदर से आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारे हिडन्स हो गए हैं ये यहाँ के ये वाले ऑप्शंस हैं जो इस टेली प्राइम में यहाँ पर नहीं शो हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये कुछ ऑडिट्स के फीचर्स वगैरह या पासवर्ड के फीचर्स वगैरह वो भी यहाँ पर शो नहीं हो रहे। तो अगर हमें उन फीचर्स को भी शो करवाना चाहिए तो इसमें यहाँ पर इन्होंने F12 यानी कि एक कॉन्फिगर का ऑप्शन दे दिया है। तो जैसे हम कीबोर्ड से कॉन्फिगर करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, टेली वैलिड पासवर्ड से संबंधित है, कोई एक्सेस कंट्रोल है या प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स है, तो ये फीचर्स है नो रह सकते हैं। तो इन सब को अगर हम यस करेंगे बारी बारी से तो काफ़ी सारे देखो अभी फीचर्स वापस यहाँ पर शो करने शुरू हो गए हैं। लेकिन टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर में यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी कि कोई ऑप्शन कोई अभी प्रेजेंट टाइम में कोई ऑफ नहीं है, कोई ऑन नहीं है, जितने आपके सामने डिस्प्ले है वो इतने ही कंपनी क्रिएट करते वक्त आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन टेली प्राइम में आने के बाद ये कुछ फंक्शन आप चाहो तो नो भी कर सकते हो और बाकी को इनको यस करके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हो। और अब हम बात करेंगे गेटवे टेली की पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें सबसे बड़ा चेंजिंग हुआ है। तो दोस्तों जैसे हम कोई कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं और कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद हम गेटवे टेली के ऑप्शन पर आ गए और इसमें भी हम एक कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और टेली प्राइम में कंपनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी हम गेटवे टेली पर आ गए, तो थोड़ा बहुत फीचर्स आप ये कलर कॉम्बिनेशन का भी हम देख सकते हैं भी जो कलर है वो इसमें टेली ERP 9 में कुछ इस तरीके का कलर डिस्प्ले हो रहा है और टेली ERP प्राइम में जो कलर जो होगा वो इस तरीके से डिस्प्ले होएगा, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने ज़रूर चेंजिंग करी है। लेकिन इसमें कलर के साथ साथ इन्होंने फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव यहाँ पर कर दिया है। तो अगर फीचर्स की हम बात करें तो जो पहला जो फीचर्स है अगर टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर को हम ओपन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर हमें कोई लेज़र बनाना हो या स्टॉक आइटम क्रिएट करनी हो तो हमें इन दो ऑप्शन अलग अलग चूज हमें करने पड़ते हैं, यानी कि अगर आपको कोई लेज़र क्रिएट करना है तो आपको अकाउंट इन्फो पे जाना होगा, अगर आपको स्टॉक आइटम स्टॉक यूनिट्स या स्टॉक ग्रुप अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको इन्वेंट्री इन्फो पे जाना होता है। लेकिन टेली प्राइम में इस ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली क्रिएट आ रहा है, यानी कि अब जैसे आप क्रिएट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने स्टॉक आइटम्स और लेज़र्स का एक कॉमन ही बटन यूज कर दिया। आप इसमें देख सकते हो कि अगर आपको लेज़र बनाना है तो आप लेज़र को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और अगर आपको स्टॉक आइटम बनानी है, कोई यूनिट बनानी है, कोई गोडाउन बनाना है तो भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन टेली ERP 9 में इन दोनों के लिए हमें अलग अलग ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता था, लेज़र के लिए हम अकाउंट पे जाके फिर लेजर्स पे जाके फिर हम क्रिएट करते थे, और स्टॉक आइटम के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो पर स्टॉक आइटम पर और क्रिएट पे जाके स्टॉक आइटम को हम क्रिएट करते हैं। तो यानी कि दोनों को अलग अलग के लिए हमें दो अलग अलग ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, लेकिन प्राइम में इन्होंने इसको कॉमन ही बना दिया, आप क्रिएट पे जाके चाहे आप स्टॉक लेज़र स्टॉक ग्रुप स्टॉक यूनिट्स गोडाउन वगैरह ये भी क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर इसकी पॉइंट की बात करें पॉइंट नंबर 5 का, तो इसमें जो लेजर्स है स्टॉक आइटम यूनिट्स ग्रुप्स को अल्टर करने के लिए जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर एक अल्टर के रूप में टेली प्राइम में यहाँ पर दे दिया है। और टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर में जब हम किसी लेजर्स को या कोई स्टॉक आइटम को अगर हमें चेंजिंग करनी पड़े, उसमें कोई एडिटिंग करनी पड़े, मॉडिफाई करना पड़े,
वापस उसी ऑप्शन पे ही जाते हैं जहाँ से हम उसको क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्टॉक आइटम है और उस स्टॉक आइटम को हमें एडिट करना है यानी कि अल्टर करना है, तो हम इन्वेंट्री पे जाते हैं, स्टॉक आइटम पर जाएंगे और अल्टर पे जाएंगे, और उसके बाद में उस स्टॉक आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे जिसके एडिट हमें करना है। और टेली प्राइम में यहाँ पर आपको अल्टर का ऑप्शन दे दिया, आप अल्टर पे जाइए, और अल्टर पे जाने के बाद आप चाहो तो अपने कोई लेजर्स में भी कोई एडिटिंग कर सकते हो, चाहे तो आप अपने स्टॉक यूनिट में, कोई गोडाउंस में या स्टॉक ग्रुप में भी एडिट कर सकते हो। यानी कि क्रिएट और अल्टर दोनों कॉमन बना दिए स्टॉक आइटम और लेजर यूनिट इन सब के लिए। अगर हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेली प्राइम में यहाँ पे क्रिएट अल्टर और उसके बाद में एक नया यहाँ पे फीचर्स जोड़ा गया है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेकिन ये फीचर्स हम टेली ERP9 के इस गेटवे ऑफ टेली पे हमें देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। इसमें तीन नंबर जो ऑप्शन है वो अकाउंटिंग वाउचर्स का है, लेकिन वो टेली प्राइम में ये ऑप्शन है जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का तीन नंबर ऑप्शन है। अब क्या है ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी आप लेजर्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे डिस्प्ले होंगे कि आपने अपनी इस कंपनी में लिस्ट ऑफ लेजर्स की संख्या कितनी है, कौन कौन से लेजर्स आपने क्रिएट करके रखे हुए हैं और कौन से ग्रुप्स के अंडर में क्रिएट किए हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। जैसे SGST CGST का टैक्स लेजर वो यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में ही क्रिएट किया हुआ है, और एक श्री श्याम ट्रेडर्स का भी लेजर क्रिएट किया हुआ है, वो भी सैलरी क्रेडिटर्स के ग्रुप में क्रिएट किया हुआ है। और इसी तरीके से कोई वाउचर टाइप्स है, कोई आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखी है तो वो भी आपको पता चलेगा, भी आपने जो स्टॉक आइटम है उसका ग्रुप आपने क्या क्रिएट कर रखा है। लेकिन अगर यही ऑप्शन हमें टेली ERP9 में देखने को अगर मिले तो हमें इसके लिए अलग अलग ऑप्शन पर जाना पड़ता है, जैसे कि हम डिस्प्ले पर जाएंगे और उसके बाद में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे। तो आप लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ लेजर, कौन कौन से लेजर आपने क्रिएट किए हुए हैं, किसके अंडर में क्रिएट किए हुए हैं, अगर उसके बाद यहाँ पर आपके सारे शॉर्टकट आ जाएंगे, भी आपने स्टॉक ग्रुप बना रखा है किसके अंडर में बनाया हुआ है, स्टॉक आइटम आपने कितनी क्रिएट कर रखी हुई है, स्टॉक आइटम का ग्रुप्स आपने कितने बना रखे हैं, यूनिट आपने कितनी बना रखी है, गोडाउन्स आपने कितने क्रिएट किए हुए हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे साइड में मिलेंगे। और टेली प्राइम में उन्होंने चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स दे के और उस ऑप्शन को यहाँ से अब आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, और इन सभी को यहीं पे ही ऐड कर दिया है। तो अगर इसके बाद में पॉइंट नंबर हम 7 की बात करें तो इम्पोर्ट डाटा, अब इम्पोर्ट डाटा टेली ERP9 में आप देख सकते हो गेटवे टेली पे आने के बाद एक यूटिलिटीज में एक ऑप्शन होता है हमारे पास इम्पोर्ट डाटा। अब ये इम्पोर्ट डाटा जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो इसमें हम मास्टर्स और वाउचर्स, यानी कि हम किसी दूसरी कंपनी के मास्टर्स या उसके वाउचर्स अगर हमारे इस कंपनी में ऐड करना चाहें तो हम वहाँ से डाटा हमारा इंपोर्ट करवा सकते हैं। और ये फीचर्स आप देख सकते हो इस यूटिलिटीज वाला ऑप्शन जो टेली ERP9 में अभी गेटवे टेली के होम स्क्रीन पर ही है, लेकिन ये जो फीचर्स है यहाँ से ये हटा दिया गया है इस गेटवे टेली के फीचर से, अब यहाँ पर वाउचर्स और डे बुक बैंकिंग वगैरह ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब इस फीचर्स की लोकेशन कहाँ पे चेंज की है वो आपको इम्पोर्ट ऑप्शन, आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये इम्पोर्ट का फीचर इन्होंने ऊपर टाइटल बार पे इसका एक मेन्यू बटन बना दिया, और इस इम्पोर्ट बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मास्टर है, ट्रांजेक्शन है, कॉन्फिग्रेशन और बैंक डिटेल्स, और ये जो ऑप्शन हमें टेली में यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही देखने को मिल सकता है, आप देख सकते हो इसमें मास्टर वाउचर और बैंक डिटेल्स। और इसमें अगर मास्टर्स के डाटा, अगर हमें दूसरी कंपनी का डाटा, अगर मास्टर्स वगैरह उसकी स्टॉक आइटम वगैरह या लेजर्स वगैरह इंपोर्ट अगर करना चाहे तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये XML फॉर्मेट में सपोर्ट करता है। तो इन फीचर्स की लोकेशन जरूर चेंज कर दी, लेकिन फीचर्स जरूर इसमें अभी भी अपडेट हैं। उसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 8 की, तो डाटा बैकअप रिस्टोर ईयर सप्लिट्स, यानी कि अब टेली में हम किसी
कंपनी का बैकअप हमें लेना हो, किसी डाटा को रिस्टोर हमें करना हो, या कोई ईएस को हमें सप्लिट करना हो, तो हम देख सकते हैं भी हम ये दो ऑप्शन तो हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं जब हम कंपनी टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन तो हमें स्टार्टअप पे ही मिल जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमें टेली प्राइम में जब हम कंपनी को स्टार्टअप ओपन करते हैं टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर को, तो वहाँ पर ये ऑप्शन हमें नहीं आते हैं। अब ये ऑप्शन टेली में तो आप यहाँ देख सकते हो बैकअप और रिस्टोर। और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास ईयर सप्लिट का। अगर ईयर सप्लिट के लिए हमें कोई करना पड़े तो इसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट Alt+F3 यानी कि कंपनी इन्फो पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में सप्लिट कंपनी डाटा। आप चाहो तो ये तीनों ऑप्शन एक साथ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, सप्लिट कंपनी और बैकअप और रिस्टोर। और टेली प्राइम की अगर बात करें भी, इन तीनों ऑप्शन को हमें कहाँ देखने को मिलेगा, अब इन फीचर्स को वहाँ से हटा के इसको भी टाइटल बार में इस डाटा के नाम से एक मेन्यू बटन बनाया गया है और इस डाटा में ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे बैकअप रिस्टोर और सप्लिट। तो यानी कि फीचर्स वो भी हैं लेकिन इसकी लोकेशन है जो चेंजिंग कर दी गई है टेली प्राइम में। तो अब सप्लिट आप जाके देखोगे तो सप्लिट के लिए भी आपको पूछेगा वेरीफाई डाटा, सप्लिट डाटा भी आपने कौन सी एरिया का चेंज करना है, आप अपने डाटा को एक बार वेरीफाई जरूर कर ले। तो ये फीचर्स भी यहाँ पे चेंजिंग हुए हैं। और नेक्स्ट 9 नंबर जो इसमें अपडेशन हुआ वो फीचर्स F11 का। तो दोस्तों हम टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर में जब कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद में कुछ हमें स्टॉक आइटम से संबंधित कुछ फीचर्स यस नो करने होते हैं, कुछ अकाउंट से संबंधित, कुछ टैक्सेशन से संबंधित, GST TDS TCS से संबंधित। तो इसके फीचर्स को यस नो करने के लिए हम टेली ERP 9 में इस F11 फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम F11 फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो तीन ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्ट्रेचरी फीचर्स। तो आप अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे तो ये अकाउंट से संबंधित तो ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं, इन्वेंट्री पे जाएंगे तो ये स्टॉक आइटम यानी कि इन्वेंट्री से संबंधित कुछ फीचर्स को हम यस या नो करना चाहें तो कर सकते हैं, और टैक्सेशन में हम जो टैक्स से संबंधित जितने भी हमारी टैक्स है उनको इनेबल या डिसेबल करना हो तो हम स्ट्रेचरी एंड टैक्सेशन फीचर्स को ये सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अब ये टेली प्राइम में आने के बाद सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि टेली ERP 9 को F11 के रूप में यहाँ पे शॉर्टकट दिखाया गया है, लेकिन टेली प्राइम में इसको यहाँ से F11 से हटा दिया कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस F11 फीचर्स को आप चाहो तो कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो, आ जाएंगे फीचर, लेकिन इस फीचर्स को दिया कहाँ पे, इस जो कंपनी हमका जो मेन्यू टाइटल बार में हम इसका मेन्यू देख सकते हैं, कंपनी के नाम से एक बटन बना हुआ है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे F11 का। आप चाहो तो यहाँ इस पे क्लिक करके भी हम जा सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो तीनों ऑप्शन एक ही विंडो में इन्होंने अपडेट कर दिए हैं, यानी कि आप देख सकते हो इसमें अकाउंटिंग भी आ गई, इन्वेंट्री भी आ गई और इधर आप देख सकते हो ये तो ये टैक्सेशन से संबंधित है, यानी कि सारे टैक्स जो GST है, TDS है, TCS है, ये एक्साइज वगैरह, ये सब कुछ आप इनको यहीं से ही यस नो कर सकते हो, यानी कि तीनों जो फीचर्स है वो एक ही विंडो पे अपडेट कर दिए हैं। और ये फीचर्स टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर में ये अलग अलग बटन्स में दिए हुए हैं। तो एक ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट किया है टेली प्राइम में। और उसके बाद में जो 10 नंबर है, 10 नंबर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है गो टू का। अब गो टू का फीचर्स जो टेली प्राइम ने दिया है आप देख सकते हो यहाँ पर ये गो टू सबसे इम्पोर्टेंट एक शॉर्टकट फीचर्स है, यानी कि इस गो टू फीचर से अकाउंटेंट का टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। अब वो किस तरीके से बचेगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे, एक बार हम जाके चेक कर लेते हैं गो टू में आता क्या कुछ फीचर्स हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डे बुक, लेजर्स वाउचर वगैरह, स्टॉक आइटम वगैरह, रिसीवेबल पेबल, कुछ भी अगर आप जो फाइनल्स जो रिपोर्ट्स होती है हमारी, वो सब कुछ रिपोर्ट्स हम एक ही जगह पर आके देख सकते हैं। लेकिन ये जो फीचर्स हैं हमें टेली में एक अलग अलग ऑप्शन पर जाकर देखने पड़ते हैं,
यानी कि आप बैलेंस शीट है तो आपको बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अलग जाना पड़ेगा। अगर आपको रिसीवेबल वगैरह देखना है तो आपको उसके बाद डिस्प्ले पे जाओ, और उसके बाद में आप अलग अलग रिपोर्ट्स हमें देखनी पड़ती है, अकाउंट्स बुक पे जाके, इन्वेंट्री पे जाके, स्टॉक आइटम से संबंधित कुछ भी क्वेरी अगर हम चेक करनी है तो यहाँ पे यानी कि अलग अलग फीचर्स पे जाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस खासियत है इस फीचर्स की टेली प्राइम में, अब मान लीजिए आप कोई वाउचर्स की एंट्री कर रहे हो, चाहे आप सेल वाउचर की एंट्री कर रहे हो, चाहे आप परचेज वाउचर्स की कर रहे हो, चाहे पेमेंट रिसिप्ट कोई भी वाउचर की आप एंट्री कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल वाउचर की एंट्री कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे डेट 31/10 ले रखी है, और मान लीजिए जैसे मैं मेरे कस्टमर को एक सामान है मैं सेल कर रहा हूँ मैं केस में, और यहाँ पे जैसे मैंने सेल किया 5, और यहाँ पे जैसे 1000 इसकी अमाउंट डाल दी। अब देख सकते हो अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कोई सेल का लेज़र नहीं है, आप देख सकते हो किसी भी टाइप का अब लेज़र नहीं है। तो अब इसमें एक खासियत क्या होगी, जैसे मैं इंटर मारेंगे इसमें यहाँ पर अगर कोई लेज़र नहीं मिलेगा और इंटर प्रेस हम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लेज़र क्रिएशन की विंडो पर ये ले जाएगा। ये अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक लेज़र बना लिया सेल का, और इस तरीके से मेरे इस इनवॉइस के अंदर मैंने 5 या 7 आइटमों की एंट्री मैंने कर दी, लेकिन बीच में ही मेरे पास किसी कंपनी का फ़ोन आ गया भी भाई साहब आप हमें ये चेक करके बताओ भी आपके पास इस जो स्टॉक आइटम है इस स्टॉक आइटम का स्टॉक आपके पास कितना अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर मैं यहीं से अगर बेक जाऊंगा तो मैंने जो 5-7 आइटमें जो फिलअप कर रखी है सेल वाउचर में वो सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी, लेकिन अगर मैं जाऊं तो इस डायरेक्टली इस गो टू फीचर्स पे अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे सीधा जाने के बाद में मेरा स्टॉक समरी, चाहे मेरे को कोई लेजर्स की रिपोर्ट पूछे, चाहे मेरे से कोई डे बुक की रिपोर्ट पूछे, किसी भी टाइप की अगर रिपोर्ट पूछे तो मैं इस गो टू पे जाने के बाद उस सभी रिपोर्ट्स पर मैं आ जाऊँगा। मैं अगर स्टॉक समरी देखना है तो मैं स्टॉक समरी पर जाऊँगा और यहाँ पे इस ब्रांड का नाम बता सकता हूँ भी अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास इस आइटम की 5 पीस अवेलेबल है, यानी कि मैंने 5 पीस है जो परचेज किए हुए हैं। तो सब कुछ ओके होने के बाद मैं वापस मेरे सेल वाउचर पे जाऊंगा, इसको मैं वापस स्केप करूंगा तो मैं वापस मेरे सेल्स वाउचर पे ही वहीं आ जाऊंगा, और उसके बाद में मैं मेरा आराम से इस सेल्स इनवॉइस को कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन ये जो फीचर्स है ये टेली ERP 9 में नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसके अंदर भी मैं एक सेल्स वाउचर की एंट्री कर रहा हूँ और 31/10 की डेट में यहाँ पे देता हूँ। अब मान लीजिए मैं केस में एक सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, और ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया, एक पीस सेलेक्ट कर दिया, इसके अमाउंट डाली। अब देखो यहाँ पर मेरे पास सेल्स का लेज़र नहीं है, लेकिन जब तक मैं इस पर लेज़र नहीं बनाऊंगा तब तक ये विंडो यहीं पे ही स्टेबल रहेगी, और मैं इसको Alt+C से क्रिएट करने के बाद इसका सेल्स लेज़र बनाऊंगा और फिर मैं इस एंट्री को पास कर पाऊंगा। लेकिन अब इसी दौरान अगर मेरे पास किसी भी कंपनी की कॉल आ जाती है, आप बताओ इस प्रोडक्ट की आपने कितनी परचेज हमारे से अभी तक कर ली, तो अब मेरे पास यहाँ से कोई शॉर्टकट ऑप्शन ऐसा नहीं है भी मैं डायरेक्ट उनको ये देख के बता सकूँ भी आप मैंने आपसे ये जो स्टॉक आइटम है कितनी परचेज करी है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको वापस स्केप ही करना पड़ेगा, और स्केप करने के बाद स्टॉक समरी पे आना पड़ेगा, और स्टॉक समरी पे आने के बाद फिर मैं इसको यहाँ से देख के बता सकता हूँ भी इस प्रोडक्ट की मैंने इतनी क्वांटिटी आपसे परचेज करी है। तो दोस्तों ये गो टू का फीचर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्टकट किसी भी रिपोर्ट्स को अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप अपनी बैलेंस शीट देखना चाहो, आपसे कोई GST की रिपोर्ट्स अगर पूछ ले तो आप GST रिपोर्ट पे जाके भी आप अपनी GST की डिटेल देख सकते हो भी आपने लास्ट मंथ के अंदर कितनी आपकी सेल थी, कितना आपने ITC लिया है, कितने आपने EV बिल बनाए हैं, तो सब कुछ आप यहीं से शॉर्टकट देख सकते हो, और देखने के बाद वापस अपना सेल इनवॉइस है जो आराम से पास कर सकते हो, आपको स्केप करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स इस टेली प्राइम में अपडेट हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके अलावा जो भी अपडेशन हुई है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताना, और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।